सुनीति और बोली हाथ जोड़ के बहन मैं तुम्हारी सेवा करती रहूंगी, जैसा तुम कहोगी वैसा मैं करती रहूंगी। लेकिन तुम्हारी एक भी बात में कोई डालूंगी नहीं। लेकिन सुरुचि बोली नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखो महाराज, या तो इस घर में ही रहेगी या फिर रहेगी। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना, क्या महाराज, कऊ तरीका से मैंने जब अपना संतान अपनी बच्चा अगर जा दे दिया ना, तुझे समझ लियो कऊ दिन कर लो दवाई को मार देगी, इसको घर से बाहर निकाल दो, कहां रहेगी। आज मैया सुनीति की आंखों में आंसू बहने लगे, रोने लगी बेचारी, जिसके ऊपर शुरुआत से दुखों के पहाड़ टूटे हो, जिसने दुख देखा है, और अब वो मिले सब दगा करने वाले ही मिले, सब परेशान करने वाले मिले। बचपन से दुखी अब तक दुखी दुखी, और मैया सुनीति के बारे में आसुरचि बोली गई यहाँ नहीं रहेगी, कहाँ रहेगी। घर से बाहर एक कारावास बनवाओ और उसमें इस मेरी सौत को ले जाकर के छोड़ दो। और सुनो महाराज, बोली है सुरुचि, अरे तापे सौतिल को पे काम करवा दो, नहीं तो इस टोला को वापस पहुंचा दो मेरे पिता के यहाँ। और बोली है सुरुचि महाराज उत्तानपाद से सुनीति के बारे में ऐसा ही नहीं,
महाराज इतना काम करते हो और ना तो अरे और एक ही घड़ा पानी का अरे एक ही घड़ा पानी को जावे चलावे इतना अगर कुछ जाता है जामे मेरी सोत बैठ के गुजर चला मैं तो सही है ना तो कोई बात नहीं। आज हाथ जोड़ करके सुनी थी बोली कोई बात ना है मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। आज महारानी सुनीति जेल में तो जा रही है लेकिन जाने से पहले महाराज उत्तान पाद से बोली महाराज अब मैं तो जा रही हूँ लेकिन जा तो रही हूँ जो मेरी सौत इस भवन में जो आ चुकी है ऐसा मत करियो कि जाके चक्कर में से प्रजा को इतना दुख दे हो। आज आंखों में आंसू भरती हुई बोली है मैया सुनीति क्या लेकिन मुझे भूल मत जाना और महारानी सुनीति बोली जेल की न चली ऐसा ही नहीं चाकन चली बड़ी महारानी भूपक ने न धड़क रो पानी समय मैया सुनीति जेल में चली जाती है धीरे 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 चक्र की तरह समय व्यतीत होता है। आज छोटी रानी को साथ में भी शादी किए हुए
बारह वर्ष हो जाती है, लेकिन किसी के संतान पैदा नहीं हुई। बहुत दुख हुआ महारानी सुनीति को, माल में क्यों हुआ दुख? एक तो एक बेटा की खातिर उस जंगल में भटक रही है, दूसरा दुख दूसरी रानी के साथ में जो शादी करके लाया उसके लिए कोई संतान पैदा नहीं हुई, इतना बड़ा दुख हुआ। आज मैया सुनीति घर से बाहर निकल के जाती है रात्रि के समय मरने के लिए। मरने के लिए जब मैया सुनीति जाती है ना, रोती हुई आंखों से अश्रुधार बह रही है और बताया, एक बेटे की खातिर उस कारावास से निकल करके और जंगल में मरने के लिए जाती है। अरे मात जब जंगल धसी आई, आज पति की याद करते करते वो मैया आंखों से सुधाराएं चल रही, ऐसा ही नहीं आज जंगल में निकल जाती है। अरे पहिए जंगल में ठाड़ी, अरे पहिए जंगल में ठाड़ी, और विधि गति परम पार उलझ गई काटन में साड़ी। आज मैया की साड़ी कांटों में उलझ जाती है। साड़ी को निकालने के बाद दोस्तों आज मैया आगे बढ़ करके जाती है और कहां पहुंच जाती है वो मैया सुनीति जिसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हो जाता है, कहां जाता है? अपना तो अपना होता है, अपने बिन सपना होता है, जो काम समय पे आ जाए वो ही अपना होता है। लेकिन आज समय पे कोई काम आने वाला भी नहीं। आज वो मैया आंखों से अश्रु धाराएं बह रही है,
चली जाती है और कहां पहुंच जाती है। अरे माता जब पामी ठहरी, बोलिए गोविंद भगवान की। एक सर्प निकल करके आया, आज मैया बोली है सर्प देवता से कि तू मुझे काट ले। सर्प ने कहा दूर रहना। मैया बोली अरे आज मेरे संकट को बांटो, अरे आज मेरे संकट को बांटो, मुझ पे दुख सहो नहीं चाहिए, सर्प मेरी उंगली में काटो। सर्प ने कहा, सर्प का ये स्वभाव हुआ करता है कि जब तक उससे छुओगे नहीं तब तक वो सर्प काटेगा नहीं। सर्प ने कहा कि मैया तुम मुझसे दूर रहना, लेकिन एक बात बता, तू इस जंगल में मरने के लिए क्यों आई है? तेरे परिवार वाला कोई नहीं है, तू क्यों आई? कारण क्या है? कौन से वंश की है? तेरे पति का नाम क्या है? आज बोली, लेकिन मैया सुनीति बताती हुई बोली, आज बताया मेरा नाम सुनीति है और मेरे पति का नाम उत्तानपाद, मनु महाराज मेरे ससुर हैं। लेकिन कोई संतान ना होने के कारण आज इस जंगल में मरने के लिए आई। आज वो मैया जंगल में मरने के लिए तो गई, लेकिन मरने नहीं दिया। आज मैया जंगल में रोती बिलखती हुई इधर उधर, लेकिन रोने की आवाज नारद मुनि ने सुनी। नारद मुनि रात्रि के समय ही चल करके आए और बोले मैया से, मैया तू कौन है और इतनी रात्रि के समय जंगल में क्या कर रही है, क्यों भटक रही है? बोले मेरे कोई संतान नहीं है, जंगल में मरने के लिए आई है। नारद ने कहा सुन, संतान की बात कर रही है मेरी, अगर तूने तीन बात मान ली ना तो तेरे संतान जरूर पैदा हो गए। और देखिए नारद ने तीन बातें जो मैया सुनीति को बताई ना, वे बातें अगर आप सभी माता बहनों ने अगर मान ली तो
ये समझ लियो कि तुम्हारी भागवत बाई में संपन्न है, तुम्हारी भागवत उसी में संपन्न है। तीन बात माल में कौन सी बताई? शाम को भोजन थोड़ा करिए, भर के नींद सोई मत जाइए। शाम को भोजन कम करना और ज्यादा सोना मत। तीसरी बात और बताई, भर के नींद सोई मत जाइए, मत काऊ मुख से गाली दइए। केवल ये तीन बात बताई, और जब तीन बात बताई, तीन बातों का पालन अगर हमारी माता बहनें कर लें तो तुम ये समझ लेना कि तुम्हारी नौ दिन की भागवत जाई में संपन्न है। कर लोगे कि नहीं? हाथ उठा के बताना कौन कौन कर सकते हैं। बस चलो कुछ लोग, लेकिन एक बात बता दूं, दुवे बातों को पालन तो कर ही लेंगे, और तीसरी बात बहुत कठिन है, वो शायद हजम नहीं होगी। कौन सी मारा? दो बातों को पालन तो कर लेंगे, कम खाई लेनी और कम सोई लेनी। खाने के ऊपर होता है सोना, अरेर की दाल से शाम को 40-50 फलकियां खा जाओ। तो जब मानियों को 12 बजे से पहले आंख नहीं खुले खुले, और जो तुमने शाम को उद्दगी दार से और दो फलकियां खाई ना, तो सवेरे 4 बजे आंख खुल जाएगा। तो खाने के ऊपर होता है सोना, ज्यादा अन्न खा लेगे तो तुरंत दावे लेगे। दावे को ना दावे को। तीसरी बात, सो तुम पे साथ नहीं मानी जाए। तीसरी बात जी है कि काऊ को गाली मत देना, उसको मानेगी। जब इनके बच्चा बच्चन में लड़ाई रह जाए बाल कन्न में, तब देखो अपने अपने आंगन में खड़े हैं कि गाली देती है, राण तेरे जऊ के मत जाए।